मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चित्रा शर्मा एंड आई एम चित्रा। मुझे तो आप लोग जानते हो। तो आज अभी मॉर्निंग का टाइम है, अभी 9:30 टाइम होने वाला है और आज है संडे। संडे है आज। एंड आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह इतना तैयार होके मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे मैं कहाँ जा रही हूँ। आज क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है और 4 ईयर कंप्लीट हो गए फाइनली हमारी शादी को। आज है 19 फरवरी और 4 साल हमारी शादी को कंप्लीट हो गए हैं। एंड हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो सस्पेंस नहीं रखती हूँ, बताई देती हूँ। हम लोग जा रहे हैं कामखेड़ा बालाजी। वहाँ पे क्या है ना, मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी मुझे जाना है दर्शन करने, तो फाइनली अब जाके मौका मिला है, वो दिन आया है। 4 साल हो गए, 4 साल में जाके अब मेरी अर्जी लगी है जाने के लिए, तो हम लोग वहीं दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। फिलहाल तो अभी लेट हो रहा है क्योंकि गाड़ी से जा रहे हैं, तो 120 किलोमीटर का सफ़र है और हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, मेरी जो स्कूटी है उससे जा रहे हैं, तो थोड़ा लंबा सफ़र है। अब तो मैं आप लोगों को ना बीच बीच में अपडेट देती रहूँगी हर चीज़ का। फिलहाल हम लोग चलते हैं बिकॉज बहुत लेट हो रहा है, हम लोगों को जाना है और हमारे साथ हमारे मामा मामी भी जाने वाले हैं, मतलब मेरे मामा ससुर ससुर वगैरह हैं, तो रिलेशन में लगते हैं वो लोग साथ में जाने वाले हैं। तो फिर हम लोग चलते हैं, मैं आप लोगों से रास्ते में मिलती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी आप लोगों को। तो ये मेरा आउटफिट है पूरा और ये मैंने ना मीशो से परचेज किया था। फाइनली वी आर गोइंग टू अवर डेस्टिनी। एंड यहाँ मैंने सोचा कि ना रास्ते का व्यू थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये बाईपास रोड है, हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो काफ़ी आसपास में हरे भरे खेत थे। यहाँ पे बहुत कुछ मतलब खेतों में लगा हुआ था, बहुत अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, सब जगह ग्रीन ग्रीन सा हो रखा था। तो मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। एंड अपना सफ़र भी इंजॉय कर रहे थे, अच्छा लग रहा था। फिर काफ़ी टाइम बाद जब हम लोग वहाँ के लिए, हाँ बीनागंज, जब हम लोगों ने बीनागंज जहाँ से यहाँ हम रहते हैं वहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ कामखेड़ा बालाजी के लिए हम लोग निकल दिए थे वहाँ से। एंड यहाँ पे ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है, यहाँ पे रात को 9 बजे के बाद शायद कोई भी अकेला ट्रेवल नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ डाकू वगैरह से छुपे रहते हैं जो लूट मार करते हैं, तो ये रास्ता ना बहुत ख़राब है नाइट में और अकेले जाने के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। एंड हम लोगों अपना पूरा टाइम डिसाइड करके गए थे कितने बजे जाना है और कितने बजे तक हम लोगों को लौटना है वहाँ से, तो रास्ते में काफ़ी अच्छा लग रहा था जाते टाइम। आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है और ऐसा ही चलता है ये रास्ता, हमेशा ही सुनसान रहता है। एंड नाइट में बहुत कम रिस्क लेना चाहिए लोगों को ऐसे रास्ते पे। तो सफ़र करते करते आप देख सकते हैं यहाँ फाइनली हम लोग कामखेड़ा बालाजी के लिए पहुँच गए हैं और ये अंदर जाने का, यहाँ से भी अंदर शायद 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, उसके बाद ही 2-3 किलोमीटर नहीं शायद बहुत ज़्यादा ही अंदर जाना पड़ता है। देन हम लोग जा रहे थे एंड मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे भी वीडियो शूट कर लेती हूँ, तो ये आप लोगों को हाय कर रहे थे। एंड यहाँ पूरा फेस कवर करके गए थे हम लोग, फिर भी मेरे बालों की बहुत हालत ख़राब हो गई थी, बाल कवर थे उसके बावजूद भी ना बहुत उलझ गए थे मेरे बाल, धूल धूल हो गया था सब में ना, बहुत लिटरली बहुत धूल मिट्टी थी रास्ते में। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं एंड ये है मेरी मामी साथ लगती हैं एंड ये उनकी छोटी सी लड़की है। और बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो शूट करने लगी, ये दुकानें हैं बाहर ही, हम लोग हाथ वाथ धो रहे थे एंड प्रसाद की दुकान पर हम लोग गए एक साइड में, यहाँ हमने अपना सामान वगैरह रख दिया था खाने पीने का जो भी हम बनाकर लेकर गए थे, ताकि हम अच्छे से दर्शन कर सकें भगवान के। ये देखिए एंट्रेंस का, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, एंड ये है फाइनली बालाजी के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। एंड यहाँ जाने के बाद बहुत सुकून मिला, मैंने 4 साल में जो मन्नत मांगी थी वो पूरी हुई, मतलब भगवान के दर्शन करने की मन्नत थी और देखना भी था, उनके पास जाना भी था, दर्शन भी करने थे। और काफ़ी भीड़ थी, संडे था फिर भी बहुत भीड़ थी एंड हमारी एनिवर्सरी भी थी, तो इससे अच्छा प्लान तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे उसके लिए और फाइनली अब जाके हम लोगों को मौका मिला। एंड ये गणेश जी का मंदिर था वहीं पर और सब जगह हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लोर किया, सब कुछ दर्शन किए, काफ़ी भीड़ थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ कामखेड़ा बालाजी के दर्शन के लिए आई थी एंड बहुत अच्छा और बहुत रिलैक्सिंग मुझे यहाँ पे फील हुआ जाने के बाद। एंड हम लोग अपनी वीडियो वगैरह शूट करने लगे, पिक्चर्स वगैरह भी ली हमने काफ़ी सारे और
फुल इन्जॉय किया, मतलब अपने डे का ना फुल हमने हर एक मोमेंट इन्जॉय किया है। इससे अच्छी एनिवर्सरी तो शायद मेरे लिए नहीं हो सकती अभी तक। देन इसके बाद देख सकते हैं श्री कामखेड़ा बालाजी दरबार है ये, यहाँ पे मैंने यहाँ बैठ के शांति से शूट किया। दर्शन करने के बाद हम लोग जब बाहर गए तो बाहर काफ़ी सारी दुकानें लगी हुई थी, एक मेला टाइप का लगा होता है यहाँ पे। संडे था तो इतना ज़्यादा क्राउड तो था नहीं, बट वैसे भी बाहर दुकानें हमेशा लगी ही रहती हैं। तो यहाँ हम लोगों ने बाहर जाके कुछ देखा, बट कुछ खास नहीं था दुकानों पर तो। एंड यहाँ आने के बाद हमें एक जगह ऐसी मिली जहाँ हमने खाना खाया। सामने ही टेम्पल था बालाजी का, और यहाँ हमें अच्छा सा स्पेस मिल गया था पार्किंग वाला, यहाँ हम लोग शांति से बैठ के अपना खाना खा सकें। और खाने में बस पूड़ी सब्जी और अचार वगैरह, यही नमकीन वगैरह यही सब लेकर आए थे हम लोग। और यहाँ हम लोग अपना लंच इंजॉय कर रहे थे। घूमते घूमते सब लोगों को बहुत तेज भूख लगने लगी थी, तो सोचा बाकी का मेला बाद में एक्सप्लोर करेंगे। दुकानें वगैरह थी, मेला नहीं था एक्चुअली। तो फिर यहाँ हम लोगों ने आइसक्रीम भी खाई, सब लोगों का मन था, काफ़ी गर्मी हो रही थी तो सोचा कुछ ठंडा भी खा लेते हैं। आगे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे डैम घूमने के लिए आए थे। ये डैम राजस्थान में ही था, यहाँ मनोहर थाना नाम से कोई जगह है वहाँ पे ये डैम पड़ता है, काफ़ी थोड़ा सा अंदर जाकर है, लेकिन बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी तो था नहीं इस डैम में, छोटा मोटा सा डैम था। हमारे जहाँ जो डैम है उससे थोड़ा सा छोटा ही था, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ का व्यू सब कुछ। और सब लोग साथ में होते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो और अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं सब लोगों के साथ शूट कर रही थी, एंड सब कुछ अच्छे से मैंने एक्सप्लोर किया है हर चीज़ को, एंड वीडियो शूट किए यहाँ पे। तो धूप लग रही थी और प्यास बहुत ज़ोर से लगी थी हम लोगों को, क्योंकि बहुत गर्मी हो गई थी उस टाइम तक तो। और यहाँ हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी ली थी, यहाँ पर मुझे अच्छा सा बैकग्राउंड मिल गया था पिक्चर्स लेने के लिए। एंड यहाँ सामने हम लोगों ने पानी पिया था, पानी पीने के लिए भी व्यवस्था थी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी कितनी दूर पार्क हुई है। और लिटरली हम लोग ये ना ऊपर चढ़ाई करके आए थे, बहुत थक गए थे चढ़ने में, उतरने में कुछ नहीं था बट उतरने में भी काफ़ी डर लग रहा था। और फिर हम लोग आ गए थे, ये बाघ बागेश्वर टेम्पल है जो कि बीनागंज में ही पड़ता है। यहाँ पर क्या है ना, एक दिन पहले शिवरात्रि थी तो मेला सा लगा हुआ था, शिव जी का टेम्पल है ये, यहाँ पर मेला लगा हुआ था तो बस उसी का सामान, मेले का सामान यहाँ रखा हुआ था। तो यहाँ पे डेकोरेशन का काफ़ी सामान था, और जो भी उन्होंने प्रदर्शनी वगैरह कुछ लगाई होगी तो हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छी पिक्चर्स ली थी। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे रथ वगैरह है, एंड आगे भी आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी।
ये सब कुछ उन्हीं का लाया हुआ था जो लोग यहाँ पे आए थे, जिन्होंने मेला टाइप का लगाया था। घूमते घूमते ना हम लोग बहुत थक चुके थे, तो वहीं पे एक पानी पूरी वाले भैया थे, तो हम लोग पानी पूरी पीने लगे थे। फिर लौटते टाइम हमने ना डिनर किया, राहुल जी ने और सिर्फ मैंने ही किया था, और बहुत भूख लग रही थी, सोचा रास्ते में ही कहीं ढाबे पे खा लेते हैं। और ये नाइट का व्यू है, आप देख सकते हैं, और ठंड हो गई थी आते आते। अच्छा मैंने साथ में स्वेटर कैरी की हम दोनों ने, क्योंकि इतना दूर का सफ़र था गाइस ना। ये थी आज की वीडियो, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हम लोग बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं, पूरा दिन ही हो गया है हम लोगों को, तो मैं करने जा रही हूँ चेंज, एंड इसके बाद रेस्ट करेंगे, थोड़ा बहुत मोबाइल देखेंगे। अभी मैंने किसी का भी मतलब किसी जिस जिन जिन लोगों ने मुझे ना विशेष की है एनिवर्सरी के लिए, उनको तक मैंने रिप्लाई नहीं किया है, तो बस वही करना है, थोड़ा सा मम्मी से बात करना है और इसके बाद हम लोग सो जाएंगे। सुबह ऑफिस भी जाना है क्योंकि, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।